नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, जिसका मतलब आपको खूब पता होगा, अगर नहीं तो सुनिए। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी, पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको आपको इस सबसे क्यों प्यार है? मुझे ये सब्जेक्ट प्यारा नहीं है, किसी और को ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। अब तो सच बोल दे। दोस्तों, आज के वक्त में अगर किसी को एक्टिंग में करियर बनाना हो तो एक्टिंग से ज्यादा उसकी पहचान पहले देखी जाती है। माफ करना, अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई पहचान ना हो तो आप चाहे बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर ही क्यों ना हो, मिलेगा तो आपको साइड रोल ही। यही नेपोटिज्म कल तक लोगों को अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन आज तो इसने लोगों की जान लेना भी शुरू किया है और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बेहतरीन अभिनेता को भी भाई भतीजावाद का शिकार होकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, करण जौहर और सलमान खान आज की डेट में असली टैलेंट को दबाकर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में माहिर बन चुके हैं और एक से बढ़कर एक फ्लॉप एक्टर्स को लॉन्च कर रहे हैं। आज हमें इसे कुछ नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहे जाने वाले फ्लॉप एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिनका एटीट्यूड लगभग सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। अबे दे रे, 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। नंबर 1, अनन्या पांडे। अरे भाई, अखियों से कहा, तुम्हारी बेकार एक्टिंग देखकर तो हम खुद ही गोली खा के मर जाएंगे। वैसे तो ये फिल्म फेयर की पात्र नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म के पात्रता इसने जन्म लेते ही हासिल कर ली है। इनके जितना हार्ड वर्क तो शायद ही किसी ने किया हुआ, क्योंकि ये कहती है इसके पापा यानी कि चंकी पांडे ने कभी भी धर्मा प्रोडक्शन और कॉफी विद करण में कॉफी नहीं पी है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. और इसके इसी struggle को देखकर Dharma ने अपना karma निभाया और इसे 42 में launch कर दिया। साथ में Coffee with Karan में भी इसको बुलाया गया, लेकिन लोगों को ये कतई पसंद नहीं आया और कुछ ने तो इन्हें पूरा एक्सपोज ही कर दिया। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। मतलब बकवास एक्टिंग करके भी इनको एक ही साल में बड़ी से बड़ी फिल्में मिल जाती है। वाकई में दोस्त, एक बार सोच के देखो, जहां आम जनता के सपने पूरे होते हैं वहां पर इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जी, मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। इट्स माय टैलेंट। ओह माय गॉड। नंबर 2, वरुण धवन। वैसे ये बात तो सही है, हमारा ध्यान नहीं था इसलिए तो ये हीरो बन गया। स्वागत करिए एक और नेपोटिज्म के भद्दे आविष्कार का, जिनको एक्टिंग का ये तो छोड़ो लेकिन ओवर एक्टिंग का वो जरूर आता है। सबको पता है डेविड धवन, जिन्होंने गोविंदा का करियर बनाया तो सही, लेकिन वरुण के लिए वो बिगाड़ भी दिया और आज वही वरुण गोविंदा का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। वैसे वरुण को अपने भद्दे एक्टिंग के लिए माफी तो मांगनी ही पड़ी, साथ में इन्होंने आईफा में ये स्वीकार भी कर लिया कि वो नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी कई लोग उसी की फिल्में देखते हैं। काश यही प्यार आप असली टैलेंट पर दिखा दे तो आज सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार जिंदा होते। नंबर 3, सोनम या सो डम्ब कपूर। मैंने सोनम की वजह सो डम्ब इसलिए कहा क्योंकि असलियत में भी वैसा ही है। सोनम जी, आपने अपने करियर में कितनी फ्लॉप दी? जरूरत से ज्यादा। रुको जरा, सबर करो। आपने कभी कोई एक्टिंग कोर्स किया है? सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैंने किया। वर्स्ट, आई कैन नॉट टेल यू हाउ बैड आई वाज। वी कैन टेल यू हाउ बैड यू आर।
केवल 12 फिल्में करके इनको 10 तो अवार्ड से मिलते हैं। वैसे सोनम को एक और अवार्ड मिलना चाहिए अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए। हॉट और नॉट, जस्ट दोस टू वर्ड्स। विराट कोहली हॉट, अरमान कोहली नॉट, रणबीर कपूर वेरी हॉट, इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत ये एक्टिंग में भले ही फ्लॉप हो लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहती है। You know, some people who get buried, the silicons, him lesbia. Silicons, him lesbia. घमंड से भरी सोनम अपने मुंह में जो आए वो बकती है। Nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? Being brand Sonam, people need to go in there and buy tickets and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media. अच्छा, अब बॉन्ड बनेगी बहन की। अपने गंदे मुंह से सोनम ने कॉफी विद करण में बहुत सारे सक्सेसफुल एक्ट्रेस पर भी बुरे कमेंट्स किए हैं, चाहे वो दीपिका हो या कटरीना या फिर विद्या बालन। दोस्तों, आपने सोनम का रिसेंट ट्वीट देखा होगा जिसमें ऊपर से लेकर बीच तक तो सब ठीक था लेकिन एंडिंग में आते तक तो फिर से सोनम ने इट इज माई कर्मा वेयर आई एम बोर्न एंड टू हुम आई एम बोर्न ये बात बोलकर तो इसने लाखों गरीबों के पेट में लात मार दी। मतलब मैं गरीब घर में जन्म लूं तो ये मेरा कर्म है। अरे बिगड़ी औरत कम से कम खुद के दम पर अपना करियर बनाने वाले एक्टर्स की तो थोड़ी रिस्पेक्ट करती। नंबर 4, अर्जुन कपूर। दोस्तों, कपूर खानदान में नेपोटिज्म तो गब्बर के जमाने से ही चलता आ रहा है। कौन किसका बेटा, कौन किसकी बहन, और हर 5 लोगों में 4 तो इनके रिश्तेदार ही होते हैं। और अर्जुन कपूर की बात करें तो एक्टिंग की वाट लगेगी ये तो तय ही है। एक के बाद एक फ्लॉप देकर भी ये आश्चर्य की बात है कि कैसे इसको फिल्मों पे फिल्में दी जाती है। और अगर आपको पता नहीं तो जान लीजिए कि इसकी हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म सुशांत सिंह राजपूत से ही छीन कर इसको दी गई थी और उसका कारण वैसे अच्छा ही था, फिल्म तो फ्लॉप ही रही। लेकिन दिक्कत किसको है, हैशटैग पापा है ना। दोस्तों, ये तो रहे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, लेकिन करण जौहर और सलमान खान ही है वो फैक्ट्रीज जिनमें एक से एक बकवास स्टार किड्स का प्रोडक्शन होता है। एक गुंडागर्दी का बादशाह और दूसरा गॉसिप्स और पार्टीज करके बॉलीवुड में अपना घर करके बैठा है और इन दोनों के पिता के कारण ही ये आज बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। साथ में नेपोटिज्म का रैकेट चलाकर बार बार फिल्म पर फिल्म, अवार्ड पर अवार्ड, आउटसाइडर पर स्टार किड्स चेपते रहते हैं। कॉफी पर बुलाकर इनके प्रमोशन करके खुद की मेहनत पर आने वाले एक्टर्स जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाते हैं। और सलमान भाई को तो आप जानते ही हैं, इसने जितनों का करियर बनाया उससे ज्यादा लोगों का करियर बिगाड़ा है। बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करने वाले सलमान इंसानियत पर लगा एक धब्बा है। दोस्तों, इस विषय पर जितनी बात करूं उतनी कम है। अगर बॉलीवुड में काबिल एक्टर्स की बजाय नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाए तो हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड कैसे बनेगा। हम इन्हीं स्टार्स को देखकर इंस्पायर होते हैं और इनको देखकर अपने सपने देखते हैं। और अगर यही लोग ऐसी हरकतें करें तो हम इनसे क्या सीखेंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस को देखकर क्या पता हमारे माँ बाप हमें कभी एक्टिंग करियर चूज करने ही ना दे, क्योंकि हमारे जैसे आउटसाइडर का तो इंडस्ट्री में कोई पहचान वाला ही नहीं है। दोस्तों, आखिर में बस यही कहूंगा, आगे से किसी भी फिल्म देखते वक्त हमेशा सिलेक्टिव फिल्में यानी कि असली टैलेंट को ही बढ़ावा दे, वरना बॉलीवुड में तो आपकी सिचुएशन को देखकर पाकिस्तानी एक्टर्स भी चल जाएंगे लेकिन भारतीय टैलेंटेड एक्टर्स नहीं चलेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं खत्म और जाते जाते चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सीखते रहिए, देखते रहिए, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।